तो ये हम कॉफी पी रहे हैं और बिपिन भाई ये हैं और अरविंद ये रहा, बाकी ये नट क्रैकर्स एक निकाला है मैंने खाने के लिए और देख सकते हैं चिकन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब चिकन पार्टी। हम वेलकम बैक टू माई ब्लॉग, मेरा नाम अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं मूडी मुसाफिर। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने कैसे अपना छोटा क्लास से भीमताल तक की यात्रा कंप्लीट की थी और आज के जो इस ब्लॉग में क्या होने खास होने वाला है, इस ब्लॉग में हम कैंपिंग करने वाले हैं, साथ साथ में कैंपिंग की एक बढ़िया लोकेशन हमको मिल गई है, बारिश रुकी हुई है इस समय और ये मेरे आस पास का कुछ व्यू है पीछे का और हमारा कैंप ये रहा इस साइड पे, बाकी ये पीछे का व्यू है यानी ये पार्क है। चलिए कोई बैक कैमरे से आपको दिखा देते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। तो गाइस ये रहा हमारा कैंप जो हमने सेटअप कर लिया है और ये रहा हमारा ट्रैपॉड, इसमें टाइमलेस बनना है सामने का, सामने का नज़ारा आप देख पा रहे हैं कितना ही सुंदर नज़ारा है उस साइड पर पहाड़ बिल्कुल, और ये पब्लिक पार्क है एक, तो हमने इसी में एक सेफ्टी को लेके और साथ साथ में एक खुला मैदान को देख के इसलिए इस जगह पे कैंप लगाया है। बाकी कैंप की लोकेशन बहुत ही प्यारी, आप आसपास का यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, ये है कुछ ऐसा हमारा इस साइड से, वो सामने इधर रोड चल रहा है और ये रहा एक पब्लिक पार्क, भाई कपड़े वगैरह सूख रहे हैं हमारे, और उस साइड पे ये पहाड़ का व्यू। तो गाइस व्यू एकदम अल्टीमेट है क्योंकि शाम का नज़ारा है। तो चलिए कैंप पे चलते हैं, बाकी अंदर का आपको फूड वगैरह जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या क्या खास बनाने वाले हैं वो भी आपको जल्दी दिखाएंगे। कांता को दिया, कांता को बराबर लगा तो है कहाँ कितने मिलता है ये मिलाता है। सामने सनसेट हो चुका है और हमारे एक टाइम लैप्स लगा हुआ है सामने पे और इस साइड आप व्यूज देख पा रहे हैं, बहुत ही अल्टीमेट व्यूज आ रहे हैं और हमारे कैब में क्या हो रहा है अंदर, ये हमारी कॉफी तैयार हो चुकी है, रवि भाई ने और विपिन भाई ने मिलके इसको बनाया है। बाकी ये रहा इधर का एरिया, वो पहाड़ पे आप देख पा रहे हैं और लाइट वगैरह जलने चालू हो गई क्योंकि शाम का समय हो गया है। तो ये हम कॉफी पी रहे हैं और विपिन भाई ये हैं और अरविंद ये रहा, बाकी ये नट क्रैकर्स एक निकाला है मैंने खाने के लिए और हमने पार्ले जी बिस्किट निकाले थे तो वो खा रहे थे। वो रहा हमारा कैंप, उस साइड खाना पीना बन रहा है और ये है लाइट का व्यू भीमताल लोकेशन का, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, बादल बिल्कुल लगे हुए हैं काले काले से। डालो 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 और डालो 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 तुमने तेल पूरा ऊपर किया नहीं यार, उससे अब ये चिपकेगा नहीं चिपकेगा बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, आज हम लोग कैंपिंग में बना रहे हैं चिकन और आज की हमारी ये कैंपिंग में देख सकते हैं आप लोग चिकन पार्टी होने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ये प्याज टमाटर हरी मिर्च काट रहे हैं और इसमें अभी चिकन हल्का सा हम लोग उबाल रहे हैं नमक डाल के और थोड़ा सा मतलब वाइल कर रहे हैं हल्का सा ताकि बाद में बनने में दिक्कत ना आए। बाकी ये देख सकते हैं विपिन भाई हमारे लगे हुए हैं, ये रहे विपिन भाई। तो दोस्तों आज जो कैंपिंग में हम बनाने वाले हैं ना, काफी दिन से हमारे रवि भाई बोल रहे थे यार चिकन बनाते हैं, तो आज उसका टाइम आ गया है कैंपिंग में। चिकन जो है आप देख सकते हैं,
तो भैया देख सकते हैं आप, कुकिंग हो रही है और सामने अरविंद कुकिंग कर रहा है और बन रहा है आज चिकन। तो पार्टी होने वाली है, कौन सी? चिकन पार्टी विद कैंपिंग फ्रंट ऑफ द हिल्स। तो आप देख सकते हैं सामने का कुछ व्यू है, जो ये लाइटें चमक रही है ना, ये पहाड़ पे हैं, भीमताल वाले पहाड़ हैं ये, और भवाली की तरफ का रास्ता है ये। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे फिलहाल हम रुके हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ्टी का पूरा हमने ध्यान रखा है, क्योंकि हमने जब कैंप लगाया यहाँ पे, तो लोगों से आसपास के लोगों से पूछ भी लिया था, और यहाँ पे जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के आसपास पेड़ भी नहीं है, तो अगर हवा वगैरह चलती भी है, बारिश होती भी है, तो हमको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। दिस इज प्रोफेशनल कैंपिंग कुकिंग वीडियो। हाँ, दिस इज द यूनिक कॉन्सेप्ट ना। चलाओ और बन। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब हम लोग चावल बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। तो देख सकते हैं ये कैंप के अंदर, हम लोग टेंट के अंदर चिकन अपना रेडी हो चुका है, और इधर रहे विपिन भाई, इधर रहे अरविंद भाई, बाकी अपना टेंट का हाल देख सकते हैं पीछे, और ये बैग सब रखे हुए हैं अपने साइड से, इधर रेनकोट वगैरह रखे हुए हैं। बाहर का व्यू तो अभी अंधेरा है, बाद में दिखाएंगे। गाइस चिकन खाते हैं हम लोग आज, चिकन पार्टी। लो अरविंद, ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है। तो गाइस अब बस खाना रेडी हो चुका है और हम लोग अभी कैंप के अंदर आ गए हैं। बाहर का नजारा काफी अंधेरा है, तो इसलिए कैंप के अंदर इसको बंद करके अब खाना खाते हैं, आपको यहाँ का एंजॉय कराते हैं। ये है चिकन हमारा और इस साइड है चावल। चलिए तो दोस्तों सामने अरविंद देखो पानी भर रहा है, और बाकी लोकेशन बहुत अच्छी हम लोगों को मिल गई थी। इधर टैंक रखा हुआ है क्योंकि सरकारी नल जो हैंडपम्प है इसमें तो पानी आ नहीं रहा है, सामने हम लोग टंकी से पानी भर रहे हैं। रवि भाई कैंप में बना रहे हैं खाना, तो खाना बिल्कुल तैयार है, बाकी पानी लेने के लिए हम लोग आए थे। और इधर पहाड़ों का नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ का व्यू हो रहा है कुछ ऐसा। तो गाइस हमने पानी भर लिया है, सरकारी नल में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन ये सरकारी टंकी बनी हुई है, तो हमने यहाँ से पानी भर लिया। बाकी रवि भाई अंदर है कैंप में, खाना बिल्कुल रेडी है, और पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी सुंदर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं साइड का। तो चलिए गाइस ये है हमारी बाइक, अब चलते हैं यहाँ से पानी भर के और खाते हैं खाना। तो दोस्तों खाना हमारा तैयार हो चुका है, और ये देख सकते हैं आप लोग तीनों लोगों की थाली लगी हुई, ये विपिन भाई हैं और ये अरविंद, और मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, बाकी ये देख सकते हैं चिकन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब चिकन पार्टी हम। तो गाइस तीनों लोग की थाली लग चुकी है, बाकी आप देख पा रहे हैं चिकन कितना ही लाजवाब और टेस्टी बना है, तो बाकी आइए इसका आनंद लेते हैं, आप और हम मिलकर इसको एंजॉय करते हैं। बाकी हाँ, कैंपिंग कर रहे हो तो चिकन जरूर बनता है। तो गाइस चलिए इस लाजवाब चिकन को टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है इसका स्वाद, कि काफी मेहनत लगी है हम लोग की इसमें बनाने में। एक नंबर गाइस, बहुत ही अल्टीमेट चिकन बना है, बहुत ही टेस्टी, और हसीन वादियों में चिकन का मजा ही कुछ और है। तो एक बार आप कैंपिंग करने आ रहे हैं तो चिकन जरूर बनाइएगा,
साथ साथ में अगर आप वीडियो पे आप देख रहे हैं, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और जरूर करना। बाकी चलिए हम और आप मिलकर इस चिकन को एंजॉय करते हैं, बाकी बताते हैं कैसा है। मैं भी उठा हूं तो कैंप हमारा हो रहा और सामने का नजारा कुछ हो रहा है ऐसा, क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं। चंदा मामा वो हैं और सूरज जी निकलने वाले हैं और ये पहाड़ों का कुछ नजारा ऐसा हो रहा है। इस लोकेशन पे हमारा कैंप है और ये रही हमारी बाइकें जो कि हमारी हैं, हमने अंदर कर ली थी सेफ्टी के लिए, क्योंकि पार्क उधर गेट है जो उसका, वहाँ से अलाउड नहीं था आना, लेकिन हमने थोड़ा उठा के रात में किए ताकि सेफ्टी रहे। और सामने का नज़ारा देख पा रहे हैं, छोटे छोटे से घर और पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वो ऊपर साइड पर देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो गई है तो हम लोग उठ चुके हैं, बाय बाय करते हैं इस अमेजिंग से प्लेस को। आप पीछे की लोकेशन देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, भीमताल में हम लोग हैं इस समय। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं हम घर की तरफ और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होप करता हूँ गाइज आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। I'm not afraid of the dark.